बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका फरवरी मार्च 2018 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 करने से पहले अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएँ तो आपको 2020, 2021, 2020 और 2019 ये सारे पेपर में ऑलरेडी ए लेवल अकाउंटिंग के करा चुका हूँ। और ये सिलसिला बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, अब आज से इंशाल्लाह इसको दोबारा शुरू करते हैं। और एग्ज़ाम क्योंकि आपके बिल्कुल करीब हैं और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये था कि ईद हॉलीडेज भी आ रही हैं और इसमें आप मुझे कमेंट्स करें कि आपको कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ मैं आपको करा दूँ। क्योंकि लेक्चर्स कम होंगे, एग्ज़ाम क्योंकि बहुत करीब हैं और तो मैं चाह ये रहा था कि बजाय ये कि मैं पेपर्स तो मैं कराऊंगा आपके जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, लेकिन अगर जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो ए लेवल अकाउंटिंग के खास तौर पर वेरियंट 32 जो पेपर है आपका पाकिस्तान में, तो इसमें जो एरियाज आपको डिफ़िकल्टी है जहाँ जहाँ कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है आपको, वट एवर एरिया मैनुफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है आपको, मर्जर एंड एक्विजिशन है, रेशो एनालिसिस है, वट एवर जो आपको लगता है कि यार यहाँ प्रॉब्लम है, तो वो सिलेक्टेड बताएं ताकि मैं कुछ सिलेक्टेड वीडियोज़ रिकॉर्ड करा के और वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगे। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है ये सिलसिला पेपर रूटीन के हिसाब से जो पेपर है तो मैं वो करा दूँगा जो भी वीडियोज़ होंगी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैक्सिमम आपको जो मैं करा सकूँ वो करा दूँ। तो कमेंट जरूर करें इसके अंदर ताकि आई शुड बी नोइंग के वेयर यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, आई शुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन दोज एरियाज वेयर यू आर हैविंग प्रॉब्लम। इंस्टेड अगर मैं इस तरीके से करा रहा हूँ और आप समझते हैं कि तरीका सही है कि ये पेपर करके अगर हम इस पेपर को ही मैं करा दूँ और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर लेट्स गुड। वट एवर इट इज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा और लेट्स स्टार्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 3 ईयर्स जो मैं बता रहा था आपको कि अगर 3 ईयर्स के तीनों अटैम्प्ट मैंने कराए हैं, तो अगर आप टोटल वीडियोज़ देखें तो 54 आई थिंक वीडियोज़ आपको मिलेंगी। मार्च, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर ये अटैम्प्ट के सारे सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो अच्छा खासा मटेरियल है। और मैं आपको एग्जाम की एक टिप भी दूँ, कहते हैं रिसेंट ईयर्स के जितने पेपर्स होते हैं ना, अगर आप 3 और 4 ईयर्स के पेपर करके चले जाएँ तो टेक माई वर्ड्स के 80-90% पेपर जो है वहीं से आ रहा होता है जो आता है। तो क्योंकि नॉर्मली ए लेवल हो इसके अंदर भी जो क्वेश्चन हैं और सब्जेक्ट्स जो हैं जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह यू पीपल आर गोइंग टू गेट ए प्लस इन योर एग्जाम। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। बार्को मैनुफैक्चर्स गार्डन चेयर्स ये बनाता है, ही ट्रांसफर्स ऑल फिनिश गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री एट कॉस्ट प्लस 25% की जो भी मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट होगी उसका 25% का ये प्रॉफिट एड कर अपने पास ले जाएगा और वो इसकी फिर एंडिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो कहलाएगी। नॉर्मली मैनुफैक्चरिंग के ऊपर अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा एक लेक्चर है प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएंगे, एक फोल्डर मिलेगा मैनुफैक्चरिंग अकाउंटिंग का, बहुत डिटेल्ड से मैंने समझाया है। अगर किसी को कंसेप्चुअली प्रॉब्लम है तो जरूर देखिए वो लेक्चर जाके। द फॉलोइंग सिलेक्टेड बैलेंसेज आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31st January 2018, कि ये बैलेंसेज जो है अवेलेबल थे 31st January को। कैरिज इनवर्ड आपको दिया हुआ था, कैरिज इनवर्ड आपको पता है कि जो मटेरियल आप खरीदते हैं उसको फैक्ट्री तक लाने में जो कैरिज लगता है, नॉर्मली ये परचेजेस के अंदर एड करते हैं इसको। कैरिज आउटवर्ड जो आपने अपने कस्टमर्स को बेचा माल वहाँ तक पहुँचाने में जो कैरिज लगा ये वो है। हीटिंग एंड लाइटिंग आपको दी हुई है 70,000 की, थाउजेंड्स में वैल्यूज़ हैं आपको। और 3 इन्वेंट्रीज आपको दी हुई है, नॉर्मली मैनुफैक्चरिंग के अंदर 3 इन्वेंट्रीज होती हैं। रॉ मटेरियल हो गया आपका, उसके ऊपर काम करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और उसके ऊपर मजीद काम करेंगे तो वो फिनिश गुड्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे गार्डन चेयर्स अगर बनाते हैं तो गार्डन चेयर्स में जो वुड है आपकी, वुड हो गया, ग्लू हो गया, नेल्स हो गई, ये सारी की सारी रॉ मटेरियल के अंदर आएंगी। वर्क इन प्रोसेस इस पर काम करेंगे, लेबर आएगी इस पर काम शुरू करेगी तो ये वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा, और जब बिल्कुल गार्डन चेयर बनकर तैयार हो जाएंगी तो वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहलाएगी। मशीनरी की कॉस्ट आपको दी हुई है 640,000 और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अब तक ये यूज़ हो चुका है और इसको आपने इस्तेमाल किया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो 200 है। इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 440 इसकी बुक वैल्यू होती है। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है, ऑफिस सैलरीज दी हुई है और परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये परचेजेज आपने करी है रॉ मटेरियल की। रेंट एंड रेट्स दिए हुए हैं, रिटर्न्स
इनवर्ड दी हुई है जो परचेज रिटर्न्स। इनवर्ड का मतलब है कि सेल्फ रिटर्न, जो आपने माल बेचा था वो वापस आ गया, और रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब है जो परचेजेस आपने खरीदी थी वो पर रिटर्न हो गई है 23,000 की, रेवेन्यूज आपको दिए हुए हैं और वेजेस दी हुई है 520,000 डॉलर की। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये एंडिंग इन्वेंट्रीज इसमें आपको देनी है, रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस है और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। एक ट्रांसफर प्राइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसफर प्राइस अभी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं कि जो भी फैक्ट्री मैनुफैक्चरिंग करके माल बनता है तो उसमें 25% जो है वो ऐड कर देते हैं प्रॉफिट का, और 25% जब प्रॉफिट का ऐड होता है तो वो ट्रांसफर प्राइस बनती है, सेलिंग प्राइस है एक तरीके से। ये डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, बल्कि सेलिंग प्राइस ये है कि जब ये ट्रांसफर होकर जिस सेक्शन में जाएगी वो फिर अपना प्रॉफिट उसके लिए, हमारे लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन जब ये नेक्स्ट सेक्शन में जब इसको बेचेंगे तो फिर वो अपना मार्जिन इसके ऊपर एड रखकर बेचेंगे, लेकिन हमारे लिए फिर ये सेलिंग प्राइस ही है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एज फॉलोज, मशीनरी 15% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मशीनरी जो है 15% है, तो मशीनरी को अगर मैं देखूं तो 15% है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो 640 में से -200 आपने माइनस किया था 440, इसका 15% आप निकाल लें यहीं पर ही। तो 66 बनता है, ये इसका डेप्रिसिएशन हो गया। और आगे आ जाए, ऑफिस इक्विपमेंट कहता है 5% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। ये 5% है तो ऑफिस इक्विपमेंट आपको दिया हुआ है इसने, इसका 5% निकाल लें यहाँ पे आके आप, तो $110 आपको दी हुई है ऑफिस इक्विपमेंट एट कॉस्ट, इसका 5% आपने निकाला तो 5.5 बनता है। ये नीचे आप देख लें कि ऑफिस इक्विपमेंट कोई खरीदी तो नहीं है आपने, क्योंकि ये हम कर तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट देख लेते हैं पहले कि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। रॉ मटेरियल हीटिंग है, उसके बाद में अनपेड वेजेस दी हुई है आपको, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 5.5, ये 5% आ गया इसका। स्ट्रेट लाइन का मकसद है स्प्रेड आप इसकी कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं लाकर। और आगे कहता है रेंट एंड रेट्स हैव नॉट बीन एडजस्टेड फॉर 7,000 पाइंग एट 1st February 2017, के रेंट एंड रेट्स जो है तो 7,000 जो है एडजस्ट नहीं हुए जो 1st February 2017 को ऑइंग थे, यानी पे करना था अनपेड थे आपको, एंड 6,000 पेड इन एडवांस एट 31st January 2018, और 31st January 2018 तक इन एडवांस आपने पे करनी है 6,000। जब आपके वहाँ तक चलेंगे, रेंट एंड रेट्स आर अपोर्शन 60% टू द फैक्ट्री एंड 40% टू एडमिनिस्ट्रेशन। 60% ये चला जाता है फैक्ट्री में और 40% जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस वक्त हम बैठे हुए कहाँ हैं, हम 31st January 2018 के अंदर बैठे हैं, ये हमसे पूछ भी रहा है 31st January 2018, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब इन एडजस्टमेंट को देखते हैं, 31st January का मकसद है कि 1st February पिछले साल में इतना आउटस्टैंडिंग था रेंट, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का मकसद है कि ये आपने पे तो करा है लेकिन एक्चुअली ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, लास्ट ईयर का एक्सपेंस था। तो 7,000 जो रेंट एंड रेट्स आपको दे रहे हैं 133, इसमें से 7,000 को आप माइनस कर दें, क्योंकि ये पेमेंट तो आपने करी है लेकिन ये लास्ट ईयर की थी, तो इसका मकसद इस साल का एक्सपेंस जो है 126 है। और इस 126 के अंदर भी एक एडजस्टमेंट और है कि आपसे कहता है 6,000 पेड इन एडवांस एट 31st January एंड 6,000 पेड इन एडवांस एट 31st January 2018। तो 31st January 2018 को इन्होंने एडवांस पेमेंट करी है 6,000 की, तो एडवांस का मकसद है ये फिर नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, तो इसको भी आप माइनस कर दें क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इन एडवांस आपने पे करा है, तो आपके पास 120 बचा जो इस साल का एक्सपेंस है। वेरी गुड द पॉइंट, द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, लास्ट ईयर का एक्सपेंस तो इस साल आपने पे करा वो 7,000, एक्चुअली रेंट एंड रेट्स के आपने 133,000 पे किए थे, 7,000 लास्ट ईयर के ओइंग थे जो आपको पे करने थे, तो वो इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है, लास्ट ईयर का था वो माइनस कर दिया आपने, और एडवांस में जो पे करा है वो भी इस साल का एक्सपेंस नहीं है, नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको बेनिफिट पहुँचाएगा, एसेट है तो वो माइनस कर दिया। उसके बाद अपोर्शन कहता है कि 60% फैक्ट्री एंड 40% एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका 60% आप निकाल लें यहाँ पे, तो
120 का 60% आपने निकाला 72, इसका 40% निकालने इसी का ही, तो 40 है ये अपोर्शनड हो गया 72 फैक्ट्री में चला जाएगा, यानी फैक्ट्री ओवरहेड बन जाएगा, और 48 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। हीटिंग एंड लाइटिंग आर अपोर्शनड 80% टू द फैक्ट्री एंड 20% टू एडमिनिस्ट्रेशन। 80% हीटिंग एंड लाइटिंग के अंदर आ जाते हैं, इसका 80% जो है वो आपको कहता है कि फैक्ट्री में जाएगा, 80-20 है, तो 70 का 80% निकाल लें, फिफ्टी सिक्स ये आपकी फैक्ट्री में चला गया 56, और इसका 20% इसका निकाल लें 14, ये फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा। ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने करा, सिंपल वो बता रहा है वैसे ही आप कर लें। एट 31st January 2018 वेजेस ड्यू बट अनपेड फॉर 10,000, की वेजेस ड्यू तो हो गई थी 31st January को ईयर एंड पे, लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी अभी तक। वेजेस आर अपोर्शन 50% डायरेक्ट फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री वेजेस 50% तो डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर चली जाती है, 30% इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस हैं, यानी 50% डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मकसद आप समझ रहे हैं डायरेक्ट लेबर है, 30% इनडायरेक्ट है फैक्ट्री ओवरहेड है, 20% एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो 50, 30 और 20, और 10,000 ड्यू है, तो 10,000 भी वेजेस के अंदर प्लस कर दें, क्योंकि ये ड्यू है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी और इसी साल का एक्सपेंस है, तो ये 530 हो गया आपका। 530 को तीन हिस्सों में बांट लें, एक तो 50% है जो डायरेक्ट लेबर बन जाएगा, एक 30% है जो इनडायरेक्ट है, 20% है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो वो फिर वहाँ चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में आपका। तो 530 का 50% आपने निकाला, तो 265 ये डायरेक्ट लेबर है आपकी, और आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये प्लस करके प्राइम कॉस्ट बन जाती है आपकी फैक्ट्री ओवरहेड के, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम बनाएंगे, और 530 का 30% आपने निकाला, तो 159 ये बन जाएगी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड, और इसका 20% आपने निकाला, तो 106 ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपकी बन गई। तो 106, 159 और प्लस 265, तो आपकी टोटल एलोकेशन आपने कर दी। ये एलोकेशन करने के बाद में कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आ गया प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर मार्को फॉर द ईयर एंडेड 31st January 2018। आपको 2018 के अंदर मार्को का स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, बड़ा सिंपल है, स्टार्ट करते हैं बनाना। मैनुफैक्चरिंग अकाउंट फॉर मार्को फॉर द ईयर एंडेड 31st January 2018 को हम बना रहे हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री देखें 40,000, ओपनिंग से शुरू करें, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की हेडिंग लगा दें आप चाहें तो, इन्होंने लगाई भी नहीं है, आप लगा दें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो कंज्यूम्ड आ जाएगा आपके पास। कंज्यूम के बाद फिर आपका यहाँ आ जाए, फिर डायरेक्ट लेबर की आप हेडिंग लगा दीजिएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर ये दी हुई है, तो दोनों मिलके प्राइम कॉस्ट बन जाएंगी, हेडिंग लगा के भी कर सकते हैं, अच्छा है, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। ओपनिंग रॉ मटेरियल देखिए 40,000 दिया हुआ है सवाल के अंदर। अब आपको सिंपल आपका इसका फॉर्मेट अगर जहन में है तो लाइफ इज सिंपल। ओपनिंग रॉ मटेरियल देखिए 40,000 है, और एंडिंग रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है इसने सवाल में, ये एंडिंग रॉ मटेरियल 42,000 दिया हुआ है, तो ओपनिंग और एंडिंग दिए हुए हैं, ये ओपनिंग देखिए 40,000 दिया हुआ है, और एंडिंग ये 42,000 आपको मैं दिखा के आ रहा हूँ, ये भी सवाल में दिया हुआ है। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल भी इसने सवाल के अंदर दी हुई थी आपको, ये परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल 568,000 ये दी हुई थी, ये आपने यहाँ लिख दी। कैरिज इनवर्ड मैंने बताया था कि कैरिज इनवर्ड को प्लस कर दें, और रिटर्न आउटवर्ड जो परचेजेज रिटर्न है उसको माइनस कर दें। कैरिज इनवर्ड देखें 12,000 है, और कैरिज रिटर्न आउटवर्ड जो है 23,000 है, ये देख रहे होंगे आप, कैरिज प्लस कर दिया हमने और रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दी, तो नेट परचेजेज आ गई, ओपनिंग में प्लस करा और इसमें से क्लोजिंग को माइनस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, बड़ा सिंपल है। डायरेक्ट लेबर देखें कहाँ से आई, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस अभी हम निकाल कर आ रहे हैं, 265,000 मैंने निकाली थी डायरेक्ट लेबर, तो सिंपल आप यहाँ लाके डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, 265,000 ये प्राइम कॉस्ट बन गई, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को मिला के प्राइम कॉस्ट बनती है। उसके बाद फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड, तीसरी हेडिंग फैक्ट्री ओवरहेड की लगा दें, और फैक्ट्री ओवरहेड FOH जिसे कहते हैं, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कितनी है,
इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस अभी हम निकाल कर आ रहे हैं, 159,000 हमने निकाली थी, 159,000 देखें ये आ गई। हीटिंग एंड लाइटिंग के अंदर हमने कितना निकाला था, हीटिंग एंड लाइटिंग देख लेते हैं ऊपर, 56,000 देखें आपने निकाला था हीटिंग एंड लाइटिंग का, वो यहाँ आ गया इनडायरेक्ट के अंदर। मशीनरी डेप्रिसिएशन आपने 66,000 निकाला था, ये देख रहे हैं 15% निकाल के मशीनरी का भी फैक्ट्री ओवर हेड में चला जाएगा, ये 66,000 आ गया। रेंट एंड रेट्स आपने कितने निकाले थे, रेंट एंड रेट्स देखें आप निकाल कर आ रहे हैं 72,000, ये 72,000 आपने निकाल दिए। इन सबको प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवर हेड ये आ गया, जब फैक्ट्री ओवर हेड आ गया तो टोटल कॉस्ट इतनी लगी है, इसने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस कर दें और एंडिंग को माइनस कर दें। तो नॉर्मली ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माने जितना माल अभी, ये तो आपने लगा दी जो भी कॉस्ट आपकी लगी, एक काम पहले से भी कुछ चीज़ों के ऊपर गार्डन चेयर्स के ऊपर हो रहा है तो उसको प्लस करते हैं और जो बच जाता है एंडिंग उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ सिंपल ये कर देते हैं, ओपनिंग में से एंडिंग को माइनस करते हैं, अगर एंडिंग ज़्यादा है तो माइनस वाली फिगर ले आएँ, अगर ओपनिंग ज़्यादा है तो प्लस वाली ले आएँ। तो ओपनिंग में से एंडिंग को माइनस करके या फिर ओपनिंग इसके अंदर डायरेक्ट प्लस करके एंडिंग माइनस करते हैं, प्रेजेंटेशन में आपके जैसे दिल चाहता है रिजल्ट वही आएगा। ये 20,000 क्योंकि एंडिंग का ज़्यादा था इसलिए माइनस में आ गया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी हो गई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर उसने कहा था कि 25% वो प्रॉफिट लगाते हैं। तो 1,153,000 ये जो आप देख रहे हैं फिगर, इसका मैंने 25% जब निकाला तो 288,250 बनता है। ये एक्चुअली फैक्ट्री प्रॉफिट है, 25% जो दिया हुआ था उसने वो इस फिगर का लगा के, उसके बाद ये ट्रांसफर प्राइस आ गया। इस से ही सिंपल अगर आपकी समझ आ रहा है, एडजस्टमेंट सिंपल देता है। आपने देखा कि आपने 1,444,250 ये ट्रांसफर प्राइस आ गई आपके पास। उसके बाद आगे आ जाएं, देखें वो क्या कहता है आपसे नेक्स्ट के अंदर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग आपने बना लिया, कहता है प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 जनवरी 2018 टू शो इन्वेंट्रीज आर रिकॉर्डेड, कि इन्वेंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होंगी। तो इन्वेंट्रीज हमेशा देखें फीफो जो आप सॉरी आपका IAS 2 जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, वो कहता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लॉयर लॉयर जो भी कम होगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो एंडिंग इन्वेंट्रीज की प्रेजेंटेशन को पूछ रहा है हमसे, एंडिंग इन्वेंट्रीज देखें दी हुई है सवाल के अंदर आपको। इसमें सिर्फ एक एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस तो एज इट इज आ जाएगा, ये 150,000 जो है ये एक्चुअली 125% कॉस्ट है क्योंकि ये ट्रांसफर प्राइस के ऊपर दिया हुआ है। तो आप 100% इसकी कॉस्ट निकाल लें क्योंकि ट्रांसफर प्राइस के ऊपर कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा इसकी कॉस्ट पर करते हैं। कॉस्ट एक्चुअली 100% है और खुद ये 125% है क्योंकि इसमें 25% प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 150,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 125 से, तो व्हाट यू गेट 120,000। ये 120,000 जो है ये एक्चुअली आपका कॉस्ट आ गई। तो इसका मकसद है 150,000 में से अगर मैं इसको माइनस करूं तो फिर 30,000 जो है मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को नॉर्मली हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये फिर प्रूडेंस कंसेप्ट हमारा कहता है कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि लॉसेज हैं तो पहले से रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर इनकम आपको नज़र आ रही है तो उसको कब तक रिकॉर्ड ना करें जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, रियलाइजेशन कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो अनरियलाइज प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड था, उसे निकाल कर आप रिकॉर्ड करिएगा, हमेशा याद रखिएगा ये आता है। तो करंट एसेट्स में देखें रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस तो दिया हुआ था, ये जो मैं निकलवा के आ रहा हूँ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट आप माइनस करेंगे 30,000, 120,000 के ऊपर इन्वेंट्रीज को आप शो करेंगे। और लॉजिक मैंने आपको समझाई कि क्या है अनरियलाइज प्रॉफिट, अक्सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर आपसे पूछ रहा होता है। तो उसके ट्रीटमेंट मैंने आपको करवाया था कि लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की तरह आप कीजिएगा, समटाइम्स ये ओपनिंग बैलेंसेज भी दे देता है आपको, तो फिर उसके अंदर से भी आप एडजस्ट करना होता है। एडजस्टमेंट के लिए लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अपने जहन में रखिएगा कि ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ था, आप कितना जा रहा है, उसी तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पर तो यहाँ तक के लिए तो इतना ही है कि इसमें से माइनस करके आप कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लॉयर, तो कॉस्ट क्योंकि लॉयर है ट्रांसफर प्राइस के ऊपर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यही इसका ट्रिकी पॉइंट था। स्टेट टू अकाउंटिंग कंसेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, ये मैंने आपको बताया प्रूडेंस हो गया और रियलाइजेशन कंसेप्ट हो गया, ये दोनों आ जाएंगे। रियलाइजेशन कंसेप्ट भी ये कहता है कि जब तक रेवेन्यू जब तक सेल्स आपकी रियलाइज ना हो जाए
आप उसे इनवाइस ना कर दें और वो बिक ना जाए, उस वक्त तक प्रॉफिट सेल्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होता है। और प्रूडेंस यही कहता है कि आप एक्सपेंस अगर कोई लॉस है तो उसको तो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हम बैड डेट्स एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट जब तक रिकॉर्ड ना करें जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। तो ये पॉइंट था, एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मार्को टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो इसको अपने पास रिकॉर्ड करे। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट मार्को क्रिएट्स अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। एक तो IAS 2 भी ये कहता है, स्टेट्स दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सो अनरियलाइज प्रॉफिट शुड बी रिमूव फ्रॉम द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अदरवाइज प्रॉफिट एंड करंट एसेट्स विल बी ओवर स्टेटेड। प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड होगा, वो प्रॉफिट जो अभी आपने कमाया नहीं है, क्योंकि ये माल बिकता है नहीं बिकता अभी नहीं पता। ऊपर ये कि ये इन्वेंट्री क्योंकि करंट एसेट्स में आ रही है तो वो भी फिर ओवर स्टेटेड हो जाएगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑन अकाउंट व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर क्रेडिट और कैश, एंड प्रूडेंस कंसेप्ट स्टेट्स दैट लॉसेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एज सून एज दे आर एंटिसिपेटेड बट प्रॉफिट्स आर नॉट रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू। सो दीज आर द कंसेप्ट व्हिच वी अप्लाई इन रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्वेंट्री जो हमने यहाँ पर करा। उसके बाद आगे आ जाए, कहता है एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट ऑफ मार्को डजेंट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर ये प्रोविजन रिकॉर्ड ना करता तो फिर क्या होता, इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाती, इन्वेंट्री अगर बढ़ती तो कॉस्ट आपकी कम हो जाती, कॉस्ट कम होती तो प्रॉफिट बढ़ जाता, तो प्रॉफिट बढ़ जाता आपका और करंट एसेट्स बढ़ जाता आपका। प्रॉफिट विल बी ग्रेटर बाय 30,000, प्रॉफिट 30,000 से बढ़ जाता है क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर ये प्रॉफिट शामिल था। जब इन्वेंट्री को आप बढ़ाएंगे तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल है, 100 रुपीज़ की आपने कोई चीज़ खरीदी है, उसमें से 20 रुपीज़ जो है उसकी कोई चीज़ बच जाती है, एंडिंग इन्वेंट्री है, तो 100 में से 20 को माइनस किया तो कॉस्ट कितनी आ गई, 80 आ गई। अगर ये 20 के बजाय मैं इसको बढ़ाकर अगर 40 कर देता हूँ तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो कॉस्ट कितनी आ गई, 60 आ गई। तो एंडिंग इन्वेंट्री जब बढ़ेगी तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब कॉस्ट कम होगी उसको आप बेचेंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट कि अगर क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाउएवर दिस प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड, लेकिन ये प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा एज द इन्वेंट्रीज हैव नॉट बीन एडजस्टेड फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि आपने इसको एडजस्ट नहीं किया अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए। एनी डिसीजन बेस्ड ऑन दीज लेवल्स ऑफ प्रॉफिट वुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए हायर प्रॉफिट विच मे नॉट बी अचीव्ड। अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वो गलत हो सकती है, क्योंकि ये वो प्रॉफिट लेवल है जो अभी अचीव नहीं हुआ है। तो दिस इज होल, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, और इसके साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ईद हॉलीडेज भी आ रही हैं एंड आपकी तो ईद जो है इस दफ़ा डेफिनेटली प्रैक्टिस करते हुए गुजरेगी, तो ईद भी मनाएं और प्रैक्टिस की प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज जो हैं वो बताएं। इस अभी आप देख रहे होंगे इसके नीचे व्हाट्सएप एक मैसेज आ रहा है क्राचियंस अकेडमी का, तो क्राचियंस अकेडमी के इस नंबर के ऊपर आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी भेजें। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना उनको एड्रेस कर सकूँ, इतना मैं उनको एड्रेस करूँ। और अगर कोई सेशन वैसे रखना हो कि हम अगर YouTube के ऊपर लाइव सेशन कर लें या Zoom के ऊपर कोई सेशन करें तो वो भी फिर देखिएगा, जैसे आप आपकी समझ आता है कि अगर जिस तरीके से भी मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ एग्ज़ाम के अंदर, तो अपने कमेंट्स दीजिएगा, फिर देखते हैं जो प्रैक्टिकल होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।